बात में आपका स्वागत है दोस्तों। ये देखिए हमने आज गुजिया बनाए हैं खोवा सूजी और बुरादा से, नारियल बुरादा। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। इसे हम अब तोड़ के दिखाते हैं। देखिए इसकी स्टफिंग कितनी अंदर सॉफ्ट है, ये देखिए। बनाने के लिए इसके लिए चाहिए मैदा, सूजी, चीनी, रिफाइंड, खोवा, नारियल बुरादा, किशमिश, इलायची कूटी हुई, गरी और सौंफ। ये खोआ है दोस्तों, इसे हम कढ़ाई में थोड़ा भूंजेंगे सूंधा होने के लिए। पानी जैसा है थोड़ा सा इस, ये देखिए धीरे धीरे चलाते रहे बस। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। इसको धीरे धीरे भूजेंगे धीमे आंच पर। अब ये देखिए पूरा सूखने लगा इसका पानी। ये देखिए ये अब तैयार हो चुका है। तो हम कढ़ाई में रिफाइंड लेंगे, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। इसमें हम सूजी को भूजेंगे धीरे धीरे, सूजी को लाल करेंगे मध्यम आंच पर। जलना नहीं चाहिए दोस्तों, जलने से सूजी का टेस्ट खराब हो जाएगा, आपका गुजिया अच्छा नहीं बनेगा। मध्यम आंच पर इसको धीरे धीरे लाल करते जाएंगे। ये देखिए पूरी तरह सुनहरा हो चुका है हमारा सूजी, भूंज लिए इसको ये पूरी तरह। अब इसमें हम चीनी डालेंगे, चीनी डालकर ज़्यादा इसको चूल्हे पर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा सूजी, फिर हमारा सूजी अच्छा नहीं बनेगा। बस एक दो बार चलाकर इसको हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसको परात में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। ये देखिए हम सब निकाल लिए हैं। अब मैदा हमने लिए हैं, इसमें आप चाहे तो घी डाले हैं, हमने रिफाइंड डाले हैं मोइन के लिए, आप घी भी डाल सकते हैं। आटे को धीरे धीरे हम गूंथना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से मोइन को आटे में मिलाकर आटे को तैयार करेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी देकर गूंथना इसको ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा मेरा गीला हो जाएगा। ये देखिए परफेक्ट आटा हमने गूंथ कर तैयार कर लिए हैं। अब सूजी में हमने खोआ को डाल देंगे। जितने भी खोआ हमने भूने थे सभी को मैंने डाल दिए हैं। किशमिश डाल दिए, इलायची पाउडर डाल देंगे, इसको अपने धीरे धीरे इस सभी को मैश करेंगे ताकि सूजी में रखा हुआ सभी चीज मिल जाए। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, ऊपर से नारियल बुरादा भी डाल देंगे, इससे और टेस्टी बढ़ जाएगा। इन सभी चीजों को हमने मिला लिया है। मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अभी देखिए हमारी स्टफिंग के लिए तैयार हो चुकी है।
लोई पूरी का लोई लेंगे, उसको अच्छे से पतला पूरी तैयार करेंगे। इसमें पानी कोर पर हमने पानी लगा दिए हैं ताकि हमारा गुजिया फटे नहीं। स्टफिंग आप इसमें करेंगे, स्टफिंग करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ज़्यादा स्टफिंग ना करें वरना गुजिया अब तेल में जाने के बाद फट सकती है। हमने इसे मशीन से निकाल लिए हैं, अच्छे से इसको प्रेस करके ये देखिए कितना सुंदर, ये देखिए हमारा गुजिया। हमने इसी तरह सारे गुजिया को तैयार कर लिए हैं। इसमें हमने थोड़ा घी भी डाले हैं, थोड़ा रिफाइंड भी डाले हैं। अब एक एक करके सारे गुजिया को इसमें हम डाल देंगे। आँच एकदम मध्यम रखेंगे, ज़्यादा तेज आँच से हमारा गुजिया अच्छे से लाल नहीं हो पाएगा। इसको धीमे धीमे आँच पर लाल करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर गोल्डन कलर आ गया हमारे गुजिया पर। इन सबको हम अब तेल से बाहर निकालेंगे। देखिए हमने तेल से बाहर निकाल लिए हैं और भी गुजिया को इसी तरह हमने तेल में छोड़ दिए हैं। गोल्डन ब्राउन हो चुका है हमारा गुजिया, बिल्कुल तैयार हो चुका है। इन्हें भी हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा गुजिया बनकर तैयार हो गया है। कितना गोल्डन, कितना सुनहरा कलर इसका दिख रहा है दोस्तों। पर्व तीज त्यौहार में इसे हमेशा बनाया जाता है, खास करके होली में भी इसे बनाते हैं हम लोग। आपको कैसी लगे हमें ज़रूर बताएँ।